रोड रेज केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर के दौरान सिद्धू ने किसी से कोई बात नहीं की। बता दें कि इससे पहले सिद्धू ने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए वक्त मांगा था। रोडरेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ मेडिकल स्थितियों का हवाला देते हुए अपने मुवक्किल को आत्मसमर्पण करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट से सिद्धू को राहत नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें सरेंडर करना पड़ा। हालांकि 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिद्धू ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था, कानून का सम्मान करूंगा। अब ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि सिद्धू को 3 दशक पुराने मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है, लेकिन यह पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। यूं तो 1988 के मामले में सिद्धू पर 2 केस दर्ज है, पहला गैर इरादतन हत्या का और दूसरा रोड रेज का। गैर इरादतन हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 15 मई 2018 को बरी कर दिया था, लेकिन रोडरेज केस में उन पर चोट पहुंचाने की धारा लगाई गई थी। इस मामले में शीर्ष अदालत ने उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील दायर की गई थी। 25 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद 19 मई को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तो चलिए अब जानते हैं रोडरेज केस की पूरी कहानी। 27 दिसंबर 1988 को पटियाला के मार्केट में एक विवाद हुआ था। यह विवाद पार्किंग को लेकर था। बताया जाता है कि पीड़ित और उसके साथ के 2 लोग बैंक से पैसे निकालने के लिए जा रहे थे। उस वक्त सड़क पर जिप्सी खड़ी हुई थी। जिप्सी को देखकर पीड़ित ने सिद्धू से उसे हटाने को कहा। बस इसी को लेकर बहसबाजी शुरू हो गई। पुलिस का आरोप था कि इस दौरान सिद्धू ने 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से मारपीट की थी और वो मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। इस मामले में गठित डॉक्टरों के बोर्ड ने गुरनाम सिंह की मौत का कारण सिर में चोट और दिल का दौरा पड़ने को बताया था, जिसके बाद सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। सेशन कोर्ट में केस चला। 1999 में सेशन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया था, लेकिन 2002 में पंजाब सरकार ने सिद्धू के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। दिसंबर 2006 को हाई कोर्ट ने सिद्धू और संधू को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसके बाद सिद्धू ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू और संधू को सभी आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि कोर्ट ने रोडरेज मामले में सिद्धू पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इस फैसले पर पीड़ित पक्ष की तरफ से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है।